हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एफकैट 2018 फर्स्ट एग्ज़ाम की। 25 फरवरी 2018 को एफकैट का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन वो टेक्निकल रीज़न की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। अब एफकैट ने अपना री एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, जिसकी उसने डेट्स जारी कर दी हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं सेंटर्स का होगा जहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। हमारे एग्ज़ाम्स की डेट्स क्या रहेंगी री एग्ज़ाम की, तो वो होंगी 24 और 25 मार्च 2018। इम्पोर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो पहला हमारा रिपोर्टिंग टाइम है, सुबह 8 बजे हमें अपने सेंटर्स पर रिपोर्ट करना है। साथ ही बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपने साथ कैरी करने हैं। हमें अपने साथ अपना एडमिट कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा हमें कोई एक एक्स्ट्रा आई कार्ड लेकर जाना है, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो। चौथा, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और पांचवा, हमें बॉल पेन, चाहे वो ब्लैक हो या ब्लू हो, अपने साथ कैरी करना है एग्ज़ाम सेंटर पर। एग्ज़ाम टाइमिंग की बात करें तो हमारा बायोमेट्रिक शुरू होगा सुबह 8 से और वो चलेगा 9:45 तक। एग्ज़ाम शुरू कब होगा, वो होगा हमारा 10 बजे और एग्ज़ाम हमारा ख़त्म होगा 12 बजे, यानी कि 2 घंटे का प्रॉपर एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं, तो आपको वहाँ पर लॉगिन करना है और आप अपना ऑफिशियल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एफकैट की ऑफिशियल आईडी से। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो एफकैट ने दो नंबर जारी किए हैं, जो हैं 0102550305, 0202550306। आप यहां पर कॉल करके अपना एडमिट कार्ड की डिटेल्स पा सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों के साथ आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और अच्छे से अपना एफकैट का री एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को, क्योंकि अब हमारे चैनल पर आपको एफकैट या किसी भी एसएसबी के लिए डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। तो सब